हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं तुलसी चारा प्लस शिवलिंग चारा डिजाइन पार्ट 4। अगर पार्ट 1, 2, 3 आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इस तुलसी चारा को हमने जुड़ाया कैसे किया है, इसका कमल कैसे बना है, इसका पट्टा कैसे बना है, सब वीडियो हमने उस वीडियो में डाल दिया है। अब इस लास्ट वाले में हम इसके नीचे का डिजाइन और यहाँ पर ओम स्वास्तिक बना है और यहाँ फूला वो सब दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा ऊपर का डिजाइन हो चुका है और हमने नीचे का प्लास्टर भी कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर हम फूला को बना रहे हैं और ये सूरज कुमार जी जो पीछे तरफ घोला को लगा रहे हैं उधर। तो चलो दोस्तों हम फूला को पहले बनाते हैं। यहाँ दिया रखने के लिए जो जगह छोड़े वहाँ पर, तो पहले फंटी वगैरह रख के यहाँ पर फूला का धार बना लेना है। इसके लिए आपको एक फंटी और एक छोटा रूसा और करनी की ज़रूरत पड़ेगा। जब नीचे तरफ का धार बन जाएगा फूला का, तो फिर ऊपर में हम राउंड फंटी से ऊपर के धार को राउंड कर लेंगे, गोल बना देंगे ऊपर के धार को राउंड फटी रखकर। आप देख सकते हैं दोस्तों राउंड फंटी से हमने ऊपर का धार राउंड बना लिया है। उसके बाद राउंड रूसा से दोनों तरफ के धार को ऐसे दबा देंगे तो इसके फूले का लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये आपको अच्छे से रूसा से अच्छे से दबा देना है जिससे कि दोनों तरफ का हिस्सा थोड़ा और अलग राउंड बन जाएगा वहाँ पर। उसके बाद बीच सेंटर में करनी से हम ऐसे नुकीला निशान लगा लेंगे जिससे कि हम जो फूला बनाया है वो मंदिर जैसा दिखेगा दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे में लगाने के लिए एक टाइल्स रखा है, ये घर वाले ने दिया है, इसमें टाइल्स लगा दो, इसलिए हम टाइल्स लगा रहे हैं। आप इसको लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। इसको भी हम ऐसा लेबर पॉइंट स्पीड लेबर से देखकर बराबर लगा देंगे। उसके बाद हमने इसमें सीमेंट छिद कर सभी तरफ अच्छे से घोला मार लिया है और ये सूरज कुमार इधर का पाइप वाला डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि उधर हम लोग घोला पहले से मार चुके हैं दोस्तों। मेरे बाद सूरज कुमार ही है जो तुलसी चारा का डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि इनका इंटरेस्ट अच्छा है, ये सीख रहे हैं अभी इसका डिज़ाइन और ये बना भी चुके हैं 2-3 जगह। अब हमने पाइप वाला डिज़ाइन यहाँ पर ऐसे लगा देना है। इसके लिए आपको पहले पाइप में थोड़ा सा मसाला भरना होता है, उसके बाद जहाँ पर भी आपको ये डिज़ाइन देना है वहाँ पर ले जाके थोड़ा ठोकना होता है तो फिर ये डिज़ाइन बन जाता है दोस्तों। ये पाइप वाला डिज़ाइन आपको पूरा चारों तरफ से घुमा लेना है, नीचे के हिस्से में जहाँ पर है वहाँ से पूरा ऐसा चारों तरफ ये वाला डिज़ाइन घूम जाएगा दोस्तों तुलसी चारा और शिवलिंग चारा में। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमने चारों तरफ घुमा लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सीमेंट छिद के इसको भी फिनिशिंग कर रहे हैं हम घोला से और उसी साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा सीमेंट चला गया तो फिर अंदर को भी इसे घोला मार के फिनिशिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम शिवलिंग बिठाएंगे और वो पानी अंदर में जाके सोखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर फूला के साइड में भी जो मोटा वाला पाइप का डिज़ाइन दिए हैं किंची पाइप का
उसको भी इसके नीचे में एक और बार दे देंगे फूला के चारों तरफ। और इधर साइड में आप देख सकते हैं पाइप वाला डिज़ाइन इधर बन चुका है साइड में, ये डिज़ाइन सूरज कुमार ने बनाया है। और इसके बीच में हम ओम और स्वास्तिक का जो भी डिज़ाइन देना है वो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हम पाइप में पहले मसाला भर लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सीमेंट लगा देते हैं, उसके बाद जहाँ पर भी इसको लगाना है वहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, और उसके बाद करनी से थोड़ा सा इसको ऐसे ठोकते हैं करनी से, उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे खसकाते हुए इसके निकाल लेते हैं, तो ये डिज़ाइन बन जाता है दोस्तों। ये डिज़ाइन आप तेज मसाले में भी बना सकते हैं, मगर मैं इसे फीका मसाले में बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमने फूला के चारों तरफ ये एक इंची पाइप का डिज़ाइन इसमें डाल दिया है। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 9644816451, अब यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम पाइप दिए हैं उसके नीचे में एक और पाइप देंगे उससे कम मोटाई वाला। उसके बाद साइड में भी हम ऐसे पाइप से एक डब्बा बना लेंगे, क्योंकि इसके बीच बीच में हमें डिजाइन देना है। ऐसे ही डब्बा हमने सभी तरफ इधर आयताकार का बन रहा है क्योंकि इधर बड़ा जगह है, और इधर साइड में वर्गाकार का बनेगा ये डब्बा क्योंकि इधर छोटा जगह है। उसके बाद हमने इस तरफ ओम का डिज़ाइन दे दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा शिव विचार है, और घर वाले भाई ने बोला कि यहाँ पर ओम का डिज़ाइन दे दो, इसलिए हम इस तरफ ओम का डिज़ाइन चिपका देते हैं दोस्तों। ये डिज़ाइन हमने सांचा वाला लिया है, ये सांचा आपको वेल्डिंग दुकान का जहाँ पर सामान डिजाइन वाला मिलता है वहाँ मिल जाएगा। ये वाला डिजाइन कर रहे हैं सूरज कुमार, क्योंकि ये डिज़ाइन सीखना है ऐसा करके, आज फ्री में ही आए हैं मेरे साथ, मेरे को बस डिज़ाइन सीखना है ऐसा करके। उसके बाद फिर इसके ऊपर ब्रश से सीमेंट का होल लगा देंगे। यहाँ पर बारिश हो रहा था दोस्तों, इसलिए मैं नीचे का पीछे वाला डिज़ाइन आपको नहीं देखा पाया, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो शुरू कर दिए हैं। अब हम नीचे का घोला मारकर यहाँ पर मसाला मारकर हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। इधर बारिश हो रहा था इसलिए हम लोग पाल छा के ही काम कर रहे हैं। मसाला मारने के बाद पहले पट्टी को वहाँ पर रख के घस लेंगे, फिर नीचे का धार बना लेंगे हम। नीचे का धार बन जाने के बाद पट्टी को धार के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर मसाला डालेंगे।
पट्टी के बराबर मसाला डालने के बाद मसाला को करनी से बराबर कर लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर दबाते हुए चढ़ाएंगे तो नीचे का हिस्सा यहाँ पर राउंड बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर पट्टी को राउंड के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा मसाला डालकर यहाँ पर हाफ इंच का बिट हम एक और बना देंगे। अब हमने जैसे एक तरफ का डिज़ाइन बनाया है वैसे आप सभी तरफ का बना लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर सीमेंट छींट कर ब्रश से सीमेंट का पतला घोल डाल देंगे तो एक फिनिशिंग हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको डिटेल में वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, आगे भी आपको तुलसी चारा और सिंह चारा का वीडियो दिखाता रहूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।